हे दोस्तों, टोफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं पांच अपकमिंग इंडियन वेब सीरीज के बारे में जिन्हें फॉरेन सीरीज से रिमेक किया जा रहा है। जी हाँ, कई बड़ी सीरीज के रिमेक आप बहुत जल्द अपने यहाँ देखने वाले हैं जिसमें कई बड़े एक्टर नजर आएंगे। अजय देवगन से लेकर राणा दग्गुबाती तक कई बड़े एक्टर फॉरेन सीरीज के रिमेक में काम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सीरीज के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये वेब सीरीज कौन सी है, किस सीरीज की रिमेक है और इस सीरीज में किस किस एक्टर को साइन किया गया है। नंबर 5, गिल्ट। बीबीसी की सुपरहिट सीरीज गिल्ट को हिंदी में रिमेक किया जा रहा है जिसमें जयदीप अहलावत और जीशान अयूब लीड रोल में नजर आएंगे। इस सीरीज को एप्लॉज एंटरटेनमेंट और बीबीसी स्टूडियो मिलकर प्रोड्यूस कर रही हैं। वहीं सीरीज को साद अली डायरेक्ट करेंगे। जिस तरह से ओरिजिनल सीरीज की कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द बुनी गई थी, इसके रीमेक में भी कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जहां बड़ा भाई काफी अमीर होता है और अपनी जिंदगी बड़े ही मौज से बिताता है, वहीं छोटा भाई काफी गरीब होता है। एक घटना घटती है जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। तो क्या होगी सीरीज की रियल कहानी, ये तो सीरीज आने पर ही पता चलेगी। ये सीरीज 2022 में रिलीज होगी। नंबर 4, फौदा रिमेक। फौदा सीरीज को भी हिंदी में रिमेक किया जाएगा। एप्लॉज एंटरटेनमेंट जो गिल्ट सीरीज को बना रहे हैं, वही फौदा सीरीज को भी हिंदी में रिमेक करेंगे। सीरीज की घोषणा करीब एक साल पहले ही की गई थी, जहां कहा गया था कि फौदा सीरीज को हिंदी में रिमेक किया जाएगा। अब ये फौदा है या फौड़ा है, ये आप डिस्कस कर लीजिएगा, लेकिन अभी तक कलाकारों की घोषणा नहीं हुई है। हाँ, हो सकता है कि 2022 के स्टार्ट में इस सीरीज को लेकर कुछ अपडेट सामने आए। कहानी की बात करें तो जिस तरह से ओरिजिनल सीरीज की कहानी इजराइल और फिलिस्तीन के वॉर पर बेस्ड थी, उसी तरह से हिंदी रिमेक की कहानी इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर बेस्ड होगी। तो देखना ये होगा कि इस सीरीज से जुड़ी अगली अपडेट कब तक आती है और इसमें कौन कौन से कलाकार नजर आते हैं। नंबर 3, राणा नायडू। मच अवेटेड सीरीज राणा नायडू हॉलीवुड सीरीज रे डोनोवन की रिमेक होगी। कुछ दिनों पहले ही नेटफ्लिक्स इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो रे डोनोवन को इंडिया में रिमेक करेंगे, जिसमें राणा दग्गुबाती और वेंकटेश लीड रोल में नजर आएंगे। इस सीरीज को करण अंशुमन डायरेक्ट करेंगे। करण अंशुमन ने इनसाइड एज के पहले सीजन को डायरेक्ट किया था। दूसरे सीजन में भी उन्होंने 3 एपिसोड को डायरेक्ट किया है। उसके अलावा मिर्जापुर सीजन 1 के 4 एपिसोड को करण ने ही डायरेक्ट किया है। तो ये आप कह सकते हैं कि राणा नायडू की कमान काफी अच्छे डायरेक्टर के हाथ में है। बाकी राणा दग्गुबाती और वेंकटेश के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये सीरीज भी 2022 में देखने को मिलेगी। नंबर 2, द नाइट मैनेजर रिमेक। इस सीरीज के बारे में तो आप काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि ब्रिटिश स्पाई थ्रिलर सीरीज द नाइट मैनेजर को हिंदी में रिमेक किया जाएगा, जिसमें ऋतिक रोशन लीड रोल में नजर आएंगे। काफी दिनों तक इस सीरीज के लिए ऋतिक रोशन का नाम ही सामने आ रहा था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ऋतिक रोशन इस सीरीज को नहीं करेंगे, तो अब उनकी जगह इस सीरीज में आदित्य रॉय कपूर नजर आएंगे। जी हाँ, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि आदित्य रॉय कपूर 2022 के स्टार्ट में द नाइट मैनेजर के हिंदी रिमेक की शूटिंग स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये सीरीज भी 2022 में देखने को मिलेगी। नंबर 1, रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस। अजय देवगन की वो सीरीज जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। ये सीरीज इद्रीस एल्बा की साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा सीरीज लूथर की रिमेक होगी, जिसमें अजय देवगन लीड रोल में नजर आएंगे। अजय देवगन के अलावा ईशा देओल, राशि खन्ना, अतुल कुलकर्णी और आशीष विद्यार्थी अहम रोल में नजर आएंगे। इस सीरीज को भी एप्लॉज एंटरटेनमेंट और बीबीसी स्टूडियो इंडिया मिलकर बना रहे हैं। रिलीज डेट के बारे में बात करें तो कहा गया था कि ये सीरीज 2021 में ही आएगी, लेकिन अब लगता है कि सीरीज को 2022 में ही रिलीज किया जाएगा। सीरीज को लेकर कुछ बड़े अपडेट 2022 के शुरू में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी वो अपकमिंग इंडियन वेब सीरीज जो फॉरेन सीरीज से रिमेक हो रही हैं और 2022 में हमें ये सीरीज देखने को मिलेंगी। आप किस सीरीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।